नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया विधानसभा से पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव का राजद से टिकट काट दिया गया है, जिसके बाद बुधवार को पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव ने पार्टी से बागी तेवर दिखाते हुए 16 अक्टूबर को अपना नामांकन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भरेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राजद वैसे उम्मीदवार को टिकट दे रखी है जिनका जनता के बीच कोई जनाधार नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे निर्दलीय भी जीता कर विधानसभा भेज सकती है, क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान जो विकास किया है उसे जनता ने देखा है। वही पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव का राजद से टिकट काट देने के बाद उनका दर्द साफ छलक रहा था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि जिस पार्टी की इतने दिनों से तन मन और धन से सेवा की, उस पार्टी ने मेरा टिकट काट कर एक सीट और कम कर ली। जिस तरह से जनता को उम्मीद थी कि मुझे राजद से टिकट मिलेगा, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोगों की उम्मीद को तोड़ दिया। जनता कल भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी और आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में अपने शासन के दौरान कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया, लोगों की निश्चल भावना से सेवा किया हूं। मगर राजद ने लोगों की हर उम्मीद को तोड़ दिया है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरह से मजबूत उम्मीदवारों का निर्दलीय के रूप में लड़ना चिरैया विधानसभा को खास बना दिया है, ऐसे में अब विधायक की उम्मीदवारी कांटों की टक्कर पर होने की संभावना तय हो गई है। रिपोर्ट, सनोज कुमार, चिरैया मोतिहारी। 20 बरस पार्टी का सेवा किए और टिकट के लिए किसी को टिकट भी मिल गया, उसके लिए भी हम लोगों को, हमको बच्चा जी को बुला के भी नहीं कहा गया कि पार्टी को मदद करना। तो आज सभी कार्यकर्ता चिरैया पताही के इकट्ठा हुए हैं और सब लोगों ने निर्णय लिया है कि यह लड़ाई लड़ना है और निर्दलीय लड़ना है। क्या पार्टी को मदद करेंगे कि नहीं? जो पार्टी आपका जितना दिन से पार्टी का झंडा ढो रहे थे, वो पार्टी भी यहाँ खड़ा है। पार्टी खड़ा है तो पार्टी अपनी खड़ा है, वो अपना लड़ाई लड़ेगा, हम निर्दलीय लड़ेंगे। हमको सब जाति का, सब वर्ग का, सर धड़ का और सभी पार्टी का समर्थन हमको प्राप्त है और मिलेगा। और पार्टी जो खड़ा है, पार्टी जो खड़ा है आज, पार्टी जो खड़ी है राष्ट्रीय जनता दल का, मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ कि आज तक क्या वह पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी था, और प्राथमिक सदस्य नहीं होने के बाद भी वैसे व्यक्ति को टिकट दिया, तो जो 20 साल 25 साल से जो कच करता पार्टी के लिए, लालू यादव के लिए, तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए काज कर रहा, उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा? और इन्हीं सारी बातों को देखते हुए लक्ष्मी यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जान लीजिए। चुनाव यहाँ की जनता जिस प्रकार से मेरे और लक्ष्मी यादव को किया गया है, बेइज्जत किया गया है, इसके चलते चिरैया और पताही की जनता ने अपना प्रतिष्ठा बनाकर आज पूरे जन सलाह इस मीटिंग में पहुंचा है और जनता निर्णय ली है कि लक्ष्मी यादव आप यहां से चुनाव लड़िए, टिकट का कोई महत्व नहीं है, सेम्बुल का कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति का व्यक्तित्व पर यहाँ वोट मिला है और उस व्यक्तित्व के चलते आज बिना खर्चा किए हुए, बिना कुछ कार्यकर्ता को बताए हुए, हम लोगों से सिर्फ फोन पर पूछा कि चिरैया कब आ रहे हैं, जब हम लोग चिरैया आए तो ऑटोमेटिक यहाँ दोनों प्रखंड को लोगों ने यहाँ मुख मुख लोग आकर कहा कि नहीं भाई आपको चुनाव लड़ना है, हम भी सपोर्ट किए कि चलिए, जब जनता जिधर है उधर मैं हूँ, जनता जिसके पास है वो हीरो है, जनता जिसके पास नहीं है पार्टी का झंडा धोए किए, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किए, उसका कोई महत्व नहीं। जो व्यक्ति एट ए टाइम नगद पैसा दिया उसके लिए वो महान हो गया, हम लोग जीरो हो गए, पैसा के बल पर यहाँ टिकट दिया। यहाँ पैसा का पूछो तो या कार्यकर्ता का? कार्यकर्ता का कोई भाई, मेरे जैसे कार्यकर्ता का जब कुछ नहीं है तो आप बता सकते हैं कि किसका भाई?